चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी मिस नामदेव कटके सर। हाँ यस सर। हाँ सर, पांच मिनट का आपकी उसका तो नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो कंसेप्ट है, अभिषेक राज सिंह सर ने इतना अच्छा बताया कि मैं तो गदगद हो गया हूँ। सुधीर राज सिंह सर तो ये हरदिन ही बताते हैं, हमें हरदिन ऐसा महसूस होता है कि हम दिन ब दिन प्रोग्रेस करते जा रहे, प्रगति करते जा रहे, हमारी उन्नति होती जा रही है। उसी का एक कड़ी का मैं भाग बताऊंगा कि बाबा साहब ने जो महाड़ का आंदोलन चलाया था, उसी वक्त कहा था कि हमारी उन्नति जो है, पहले हम सामाजिक आंदोलन करें, सामाजिक एकता बनाए रखें, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये प्रोग्रेस होने वाली है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अवर्स इज अ स्ट्रगल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, अवर स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, अवर स्ट्रगल इज फॉर डिग्निटी, अवर स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारा जो संघर्ष है, हमारा संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं है या संपत्ति के लिए नहीं है, हम इंसान हैं, हमें जो ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, ये सबसे बड़ी हमारी पहले बात है। और वो कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी या ह्यूमन वैल्यू जो है, जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं, इकट्ठा नहीं आएंगे, एक संघ नहीं बनेंगे, तब तक ये हासिल नहीं होने वाला है। और इसीलिए उन्होंने पानी का आंदोलन एक जरिया करके चुना था, और इस वजह से लोगों को जुड़ने की बात बाबा साहब ने कही थी। और आज के इस जो आज का जो दिन है, वो बाबा साहब क्यों सक्सेस हो पाए हैं, तो उसका एक ये भी कारण है कि बाबा साहब को रमाई जैसी एक साथी मिली थी, जीवन साथी मिली थी, जिन्होंने कि बाबा साहब को कुछ भी फैमिली के बारे में सोचने के लिए कुछ जरूरत नहीं छोड़ी, सारा का सारा भार रमाई ने अपने ऊपर ले लिया था। और आज रमाई की जयंती है, हमको याद होना चाहिए कि एक आधा इंसान सामाजिक क्षेत्र में या देश में या दुनिया में क्रांति करता है, वो तब तक फुल फ्लेज नहीं हो जाता जब तक उसको उसके घर से कुछ अधिकार नहीं मिलते हो, घर से कुछ सुकून नहीं मिलता हो। तो रमाई ने करोड़ों लोगों को जीवन दे, करोड़ों लोगों का जीवन प्रकाशित करने के लिए अपना जीवन पूरा जला दिया, अपने आप को उसने जला दिया, चार बच्चे अपने समाज की प्रगति के लिए कुर्बान कर दिए, और बाबा साहब को कुछ खबर तक नहीं लगने दी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितना सोच रही हूँ। इसलिए रमाई की जो करुणा है, उन्होंने जो अपने बीच में ली, तो हम सब की सांस्कृतिक माता रमाई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के रमाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग उनको साधुवाद दे, सभी सभागुरुओं को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि हम रमाई की जयंती के बारे में उनको सभी लोग ताली बजाकर साधुवाद देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। लभाने बहन जी है, उनका एक ग्रुप जमा हुआ है, वो एक या दो गाना गाना चाहते हैं, अगर इजाजत है तो मैं चाहता हूँ कि उनको आमंत्रित करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे और गाना भी गाएंगे। चालू करू का? हाँ यस यस, बोलिए। त्याग, बलिदान एवं साहस के प्रतीक बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जीवन संगिनी, बहुजन समाज के ये अपने बच्चों का बलिदान करने वाली ममता की त्याग मूर्ति रमाई के जन्मदिन की अवसर पर सभी समन संघ के साथियों को ढेर सारी कोटि कोटि शुभकामनाएं और नमन करती हूँ। जीव माधव तारी
थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद बहन जी। जांबुले सर। हाँ डॉक्टर पंचशीला दुर्गे मैडम पुणे से कुछ बात कर रही है। दुर्गे मैडम नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम ताई नमो बुद्धाय बोलिए। हाँ नमो बुद्धाय। हाँ आज माता रमाई का जन्मदिन है, उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ। हेलो हाँ बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। तो हाँ माता रमाई जो त्याग मूर्ति हम कहते हैं, तो उनका आज जन्मदिन है, तो सर्वप्रथम मैं उनको विनम्र अभिवादन करती हूँ और मैं उनके बारे में दो शब्द रखना चाहती हूँ। तो साथियों रमाई ने, रमाई का जन्म जो है 1898 में हुआ, एक गरीब परिवार में हुआ। उसके बाद में जब 9 साल की रमाई हुई तो 9 साल में उनकी शादी भीमराव रामजी सूबेदार अंबेडकर जी से हुई है। और जब से उन्होंने शादी की तो कठिन परिस्थिति में उनका बचपन भी गुजरा, उसके बाद में शादी होने के बाद में भी कठिनाई कठिनाई इतने उनके जीवन में देखा जाए तो 1913 से लेकर 17 तक तो बहुत ही कठिन प्रसंग रहा है उनके जीवन में। जब बाबा साहब पहली बार न्यूयॉर्क में गए पढ़ाई करने 1913 में, तब बाबा साहब ने जो हमारी त्यागमूर्ति रमाई अशिक्षित थी, तो बाबा साहब ने उनको पढ़ाया लिखाया। तो जब न्यूयॉर्क में 1913 में बाबा साहब गए तो पहला पत्र जो लिखा रमाई को, तो उसी पत्र में पहला उल्लेख है पहले पत्र में कि रमाई मैं अपने समाज न्यूयॉर्क में इसलिए पढ़ाई करने आया कि मैं अपने समाज में समाज को इस गुलामी से आजादी दिलाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये पहला पत्र था। और रमाई भी बड़ी खुश हुई, रमाई को बाबा साहब रामू कहते थे। दूसरा जो खत था रामू यानी रमाई माता का पहला जो लड़का है रमेश, वो 1917 में उनका गुजर गया। वो पहला लड़का सेकंड वाला, पहला तो यशवंत राव था। तो उस टाइम भी बाबा साहब वहां पे नहीं थे, तब भी रमाई ने जब बाबा साहब को लेटर लिखा 1917 में, तो रमाई कहती थी कि बाबा साहब इधर की चिंता मत करो, ये सारा दुख जो है मेरे पे छोड़ दो और आप सिर्फ खाने पे ध्यान दीजिए, अपने तबीयत के तरफ ध्यान दीजिए और पढ़ाई के तरफ ध्यान दीजिए। इन्हें कितना बड़ा मन था, जब उनका एज ज्यादा नहीं था फिर भी रमाई का जो दिल था, इतनी परिस्थिति में से गुजरने के बाद भी इन्हें वो अपने बाबा साहब को धीर देती थी। इन्हें जो बाबा साहब जो है इतने बड़े हुए, जिसको अपन ज्ञान मूर्ति बोलते हैं, तो वो सब रमाई की देन है। इतना त्याग रमाई का हम भूल नहीं सकते। आज जो रमाई के त्याग से हम, बाबा साहब ने हमको जितने भी हक अधिकार दिए हैं, सब उसके पीछे रमाई का बड़ा त्याग है, ये हम महिलाओं ने नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बार जब बाबा साहब पढ़ाई करके बैरिस्टर होकर जब भारत लौटे 1923 में, तब रमाई के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो बालाराम बाबा साहब का जो बड़ा भाई था, उन्होंने कपड़े के लिए पैसे भी दिए थे। तो सब लोगों को रमाई ने खुद कपड़े लेकर दिए, लेकिन अपने लिए, जबकि उनके पास एक भी साड़ी नहीं थी अच्छी, तो तब भी बाबा साहब के लिए कपड़े खरीदे और अपने लिए। जब उनको पता था कि अभी बाबा साहब 1923 में बैरिस्टर होके लौटने वाले हैं और उनका सत्कार होने वाला है, फिर भी रमाई ने कुछ इधर उधर न देखते हुए और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, उन्होंने जब शाहू महाराज जी कोल्हापुर से थे, तो उन्होंने जब बाबा साहब का सत्कार किया था एक बार,
तो वो जो जरी पटका था, तो दूसरी घटना कि जरी पटका इन्हें किसी को पहचान में नहीं आना, तो ऐसी साड़ी पहनकर बाबा साहब को मिलने गई थी, कहां पर, मुंबई में, जब बाबा साहब बोट से उतरे थे। वो बड़ा त्याग था और दूर से देख रही थी कि बाबा साहब का कितना जय जयकार हो रहा है। और उसी दिन रमाई का जे जे हॉस्पिटल के सामने भाषण भी था, यानी मैंने एक बुक में पढ़ा है कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो रमापति संगठन बनाया था रमाई ने, इन्हें कम पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी वो महिलाओं को संगठित करती थी और बाबा साहब के बारे में, अपने समाज के बारे में महिलाओं को प्रेरणा देती थी, प्रोत्साहित करती थी कि महिला ने कैसे आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो तब बाबा साहब जब वहां से उतरे, तब लोग बोलने लगे कि आज तो माता रमाई का हमने भाषण रखा है। तो जब बाबा साहब के सामने रमाई ने जब भाषण दिया, तो पहले बार बाबा साहब ने रमाई के मुंह से जो शब्द सुने थे, तो बाबा साहब बहुत इम्प्रेस हुए थे। जब बाबा साहब पहली गोलमेज परिषद के लिए 1930 में लंदन गए थे, तब रमाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि रमेश भी 1917 में गुजर गया, दूसरा जो लड़का था उनका गंगाधर वो भी 1920 में गुजर गया था, 21 में राजरत्न, इंदु और गंगाराम, ऐसे चार लड़के बाबा साहब के गुजर गए थे। तो जब वो रमेश और वो उनका गंगाराम गुजर गया था, तो और महाड़ का सत्याग्रह, तो जो रमाई की तबीयत पे बहुत बुरा असर हुआ था। तो जब बाबा साहब गोलमेज पहली परिषद के लिए लंदन जाने निकले थे, तब बाबा साहब बोले थे कि रमाई, रामू तू मत आ, तो मैं बोट से जा रहा हूँ, मेरी व्यवस्था सब ठीक है, मैं खाना पीना ठीक से खाऊंगी। लेकिन रमाई का दिल नहीं माना, तो जो धारवाड़ के, महाराष्ट्र में धारवाड़ गाँव है कर्नाटक में, तो वहां से वैराड़े गुरु जी आए थे, तो उन्होंने रमाई को मुंबई में वो जहाज में चढ़कर उन बाबा साहब को बिना बताए रमाई को लेकर गए वो, और बाबा साहब को न पूछते हुए वो बोले कि मेरे को बोट देखना है कि आपकी कैसी व्यवस्था है लंदन तक जाने की। तो रमाई, फिर बाबा साहब ने उनका हाथ पकड़कर सब बोट का इंस्पेक्शन किया और बोले कि देखो रमा, यहाँ पे खाने की व्यवस्था रहेगी, सोने की व्यवस्था रहेगी। तब कोई रमाई को शांतता मिली, और फिर रमाई जब बोट के नीचे उतरी, तब वैराय गुरुजी को बोले थे बाबा साहब कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम इसको धारवाड़ में कुछ दिन के लिए लेकर जाओ। तो बच्चों को लेकर और उनकी जो बाबा साहब के भाई की मिसेस थी लक्ष्मी, उनको भी लेकर वो धारवाड़ चले गए। तो धारवाड़ में 8 दिन रहने के बाद में उनको पता चला कि जो वैराड़े गुरुजी हॉस्टल चलाते थे, उनके इंचार्ज थे, तो देखा कि बच्चों के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो बच्चे 2 दिन से भूखे थे। तो वैराड़े गुरुजी को रमाई ने बुलाया कि क्या बात है। तो वैराड़े गुरुजी ने बताया कि सरकारी जो वस्त्र गृह चलाने के लिए ग्रांट मिलती है, तो ग्रांट 2 महीने से नहीं आए, कैसे तो भी मैंने चलाया, लेकिन जो वानी जो दुकान वाला है, तो उन्होंने पैसे नहीं चुकाए, इसलिए देने को मना कर दिया। तो फिर रमाई ने तुरंत अपने हाथ की जो बैंगल थी गोल्ड की, वो निकाली और वैराड़े गुरुजी के हाथ में देते हुए कहा कि जाओ इसको सोनार के पास लेकर जाओ, और जितने पैसे आएंगे उतने में जो भी कुछ सामान होगा तो पूरा सामान लेकर आओ, क्योंकि बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। तो जब वो सब सामान लेकर आए, और लेकर आने के बाद इतना ही नहीं, तो रमाई ने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद उन्होंने सब बच्चों को बुलाकर इन्हें सब बच्चों को परोसा, और फिर परोसने के बाद जो बच्चे खुश हुए, और तब से रमाई को माता रमाई करके बुलाने लगे, क्योंकि बच्चे इतने खुश हुए और हमारे माँ के हाथ का खाना आज मिला, तो तब से माता रमाई को हम मातोश्री या रमाई माता बुलाने लगे। तो ये तीसरी घटना है। चौथी घटना, जब पंढरपुर में रमाई जा रही थी, तो
रमाई पंढरपुर में पंढरपुर जाने के लिए बाबा साहब के पास में ऐसा ये किया कि मुझे पंढरपुर देखना है, तो पंढरपुर देखना है तो बाबा साहब बोले कि रमा अपने लोगों को वहां पंढरपुर का जो भगवान है अपने लोगों को आने नहीं देता पास में, तो तुम जाके क्या करोगी, जाने के बाद तुम्हारा अपमान नहीं होगा, तुमको आने अंदर नहीं जाने देंगे। तो रमाई ने उसके बाद से वो पंढरपुर का नाम नहीं लिया। और बाबा साहब बोले तो ये पंढरपुर क्या, मैं ऐसा तुम्हारा तेरे लिए पंढरपुर निर्माण करूंगा कि कोई भी वहां पे आ सकता है जा सकता है, ऐने रोक तो किसी की नहीं होगी। और पांचवी जो घटना है उनके जीवन में, जो बाबा साहब बैरिस्टर होके जब आए थे वापस, तब उनके पास में कुछ भी नहीं था, तो शाहू महाराज जी का जरी पटका। आज तो अपने, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज अपने महिलाओं के पास कितनी साड़ियां है, कितनी इन्हें कपाट भर के साड़ियां रहती, लेकिन इतना होने के बाद भी त्याग मूर्ति की आज जयंती है। मैं भी सोशल वर्क करती हूँ, लेकिन रमाई के बारे में, त्याग मूर्ति के बारे में दो शब्द उनको बोलने को यदि अपने बोले तो भी अपनी महिलाएं पढ़ती नहीं है, बात करती नहीं है, किसी महिला के साथ में रमाई के बारे में कुछ बताती नहीं है। तो इतना त्याग और कष्टमय जीवन है वो रमाई यदि नहीं थी, मेरा वैयक्तिक ऐसा मानना है कि यदि रमाई नहीं रहती थी तो हम नहीं होते थे आज। यानी मैं भी ऑफिसर हूँ, आज महिला है, जाती है, पढ़ाई करती है, समाज में मिक्स होती है, कोई कोई महिलाएं होती है, कोई कोई नहीं होती है। तो इतना बलिदान, इतना त्याग करने का जो रमाई का है, और बाबा साहब को प्रोत्साहित करने का, बाबा साहब मेरा यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मेरे पास पैसे भी नहीं रहे तो भी रमाई बताती नहीं थी। रमाई ने अपने चार बच्चे खोने के बाद भी इन्हें सिकन तक या कुछ कंप्लेंट बाबा साहब के पास नहीं किया। सिर्फ उनका एक ही ध्येय था कि बाबा साहब जो है वो आगे चल के हमारे ससुर जी का यानी रामजी सुबेदार का सपना पूरा करे, और अपने समाज जो गुलाम है, जो बंधन है, वो अपने को आजाद करे। तो समाज के लिए इतना त्याग करना तो एक त्याग मूर्ति ही कर सकती है। तो इतना त्याग तो कोई ही महिला नहीं कर सकती, यानी आधुनिक महिला तो नहीं कर सकती, लेकिन जो रमाई ने किया उसकी तो कोई तोड़ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो बाबा साहब भी बोलते थे कि रमा, जो रमा ने एक बार क्योंकि आजू बाजू की आस पड़ोस की महिलाएं बोलती थी कि रमा इतनी बैरिस्टर होने की पत्नी है, लेकिन उनके उनके पास तो गहने भी नहीं है। तो बाबा साहब के पास में उन्होंने एक बार जिद की कि मुझे, आजू बाजू की महिलाएं ऐसी बोलती थी कि इतना पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, तो उसके बावजूद भी उनकी पत्नी, इतने बड़े नेता है तो उनकी पत्नी होने के बाद भी इनके शरीर पे दाग दागिना नहीं है। तो बाबा साहब ने दाग दागिने रमाई को लाके दिए और बोले कि रमा ये अभी तुम पहनो, और पहनने के बाद जो अपन टीका बोलते हैं, जो बिंदी बोलते हैं, तो वो बिंदी की डबी जो है बाबा साहब ने अपने हाथ में रखी। तो रमा ढूंढने लगी कहाँ है करके, तो बाबा साहब बोलते रमा सब हो गया, गहने आए पसंद, तो हाँ बाबा साहब गहने वगैरह सब पसंद आए, तो अभी मेरा लेकिन ये तिलक जो है, टीका जो है, बिंदी है, वो नहीं दिख रही। तो बाबा साहब बोलते ये है रमा मेरे हाथ में है, अभी तुम जो गहने पहने है तो अभी अच्छी लग रही। तो बाबा साहब बोलते है, बाबा साहब को रमाई बोले कि नहीं, मेरा जो टीका है, मेरी जो बिंदी है, वो ही मेरा धनी है, ये तो गहने ये से रमा ने जब से कोई बाबा साहब के पास में कुछ शिकायत नहीं की, कुछ नहीं किया। और ऐसी ये रमाई जो है, यदि उनके किस्से अपन ने देखे है तो और सुने हैं, तो आज अपने शरीर पे ने रोमांच उठते हैं।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।